ओके डिस्कस करते हैं आज। कल हमने दिस का एग्जांपल लिया था, है ना। दिस किसने यूज होता है? अपनी ही क्लास का कोई अनदर कंस्ट्रक्टर कॉल करने काम आता है। अब बारी है सुपर की, तो सुपर का अगर आप यूज करोगे तो आपको पेरेंट चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप लेना पड़ेगा, मतलब इज ए रिलेशनशिप लेना पड़ेगा। सपोज ए क्लास है पेरेंट, इस पेरेंट क्लास के पास दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक अनदर कंस्ट्रक्टर है पेरेंट, इट विल एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एक क्लास है आपकी चाइल्ड, वो एक्सटेंड्स कर रही है, एक्सटेंड्स इसको पेरेंट क्लास, जो चाइल्ड क्लास है इट इज ऑल्सो कंटेन ए कंस्ट्रक्टर, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और एक कंस्ट्रक्टर है विच एक्सेप्ट डबल वैल्यू, इट इज ऑल्सो कंटेन टू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पेरेंट क्लास के पास भी दो कंस्ट्रक्टर है, एक ही है ना। इसी तरह से आपकी जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के पास भी दो कंस्ट्रक्टर। इसमें एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज मैंने यहां पर लेता हूं मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसको सेव करा देते हैं, चाइल्ड डॉट जावा के नाम से सेव, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम, मैंने प्रिंट कराया वन, प्रिंट थ्री और यहां पर प्रिंट कराया फोर, ठीक है जी। मेरे पास चार कंस्ट्रक्टर हैं, पेरेंट के पास दो हैं, चाइल्ड के पास दो हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इसमें पास किया मैंने टाइम, तो बताएगा इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा इसका? ओके, आप कह रहे हो इसका आंसर 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। सर चेक करते हैं, जावा सी आपकी जो फाइल का नाम है चाइल्ड डॉट जावा, एंटर किया, ये कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, ये आपका 1 2 3 4 आ गया, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ये आंसर आया कैसे इसको देखते हैं। यहां से आपने जो कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, एक मिनट, यहां से जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका चाइल्ड क्लास का इंट पैरामीटर वाला कॉल, चाइल्ड का ये वाला कॉल हो जाएगा। भले आपने इसमें 10 पास किया हो लेकिन ये डबल इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहां पर आ गया, ठीक है। ये दिस ने कौन सा कॉल कराया? अपनी ही क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर। हम यहां पर गए, सबसे पहले यहां पर गए, फिर यहां से यहां गए, ऊपर इसके नीचे आए, यहां से इसने कहां भेज दिया? पेरेंट क्लास के इंटीजर वाले कंस्ट्रक्टर के पास, यह हो गया 3। फिर
फिर यहां से जैसे नीचे है, यानी कि दिस ने क्या किया, अपनी ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल ये होता है। तो सबसे पहले प्रिंट हो गया आपका वन वन, ये कहां से कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था यहां से, वापस आए प्रिंट हो गया टू, ये कहां से कॉल हुआ था वापस आए यहां से, फिर प्रिंट हो गया थ्री, फिर ये कहां से कॉल हुआ था यहां पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है बाय यूजिंग सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल, बाय यूजिंग सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल। सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल की हेल्प से क्या कर सकता है, वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्या इसके अंदर सुपर है, क्या इसके अंदर सुपर है या बाय डिफॉल्ट दिस है इसके अंदर? गुड, इसके अंदर भाई सुपर है, बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था सुपर होता है। सुपर किस लिए, ये सुपर क्या करेगा, इस पेरेंट क्लास का जो पेरेंट है, पेरेंट का पेरेंट कौन सा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहां से, यहां से किसका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, यहां से कंस्ट्रक्टर हो जाएगा पेरेंट, ये जो आपकी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हर कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो दिस और सुपर में से तो सुपर होता है, कल बताया था। क्लियर है सभी को पॉइंट? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये था दिस और सुपर के बारे में, ये थे कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मेरा सबसे पहले मुझे बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, यस या नो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि इट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उसके अंदर क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मेरा क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर होता है, मेरा क्वेश्चन है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, आप सोच रहे होंगे जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होने का, जब कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होने का तो क्या होगा उसके अंदर, आप सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर नहीं होता, बट एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट कंटेन क्या, कंस्ट्रक्टर, हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा, समझ रहे क्या? अब देखते हैं इसको, पहले प्रूफ करते हैं, हर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा। सपोज मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, क्लास का नाम दे देते हैं कुछ भी ए, क्लास ए ली, इस क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर, पहले इसी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कंपाइल हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यस, ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनने का हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या लिया, इंट में एक वेरिएबल लिया एक्स और वाई, एक्स और वाई किस टाइप के वेरिएबल है, एक्स और वाई किस टाइप के वेरिएबल है, ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल है। हमने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू 10 दे दी और y की वैल्यू 20 कर दी, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। अब हमने एक क्लास ली, ऐसा करो यहां पर वैल्यू पास कर दो a इंट b, ठीक है, इंट a और b। तो हमने क्या किया, दिस डॉट x, x की वैल्यू कितनी कर दी a, और दिस डॉट b y, y की वैल्यू मैंने b कर दी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है,
ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो इंस्टांस वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज कर, ठीक है। एक क्लास है बी, बी ने एक्सटेंड किया ए को, इसको इनहेट किया ए को, ठीक है। अब बी के पास भी, बी के पास जो इंस्टांस वेरिएबल है, सपोज मैंने ले लिया जेड एक इंस्टांस वेरिएबल है, बी बी एक कंस्ट्रक्टर लिया विच एक्सेप्ट थ्री पैरामीटर्स, विच एक्सेप्ट थ्री पैरामीटर्स ए बी इंट में कुछ भी ले लो, बी इंट में क्यू इंट में आर, तीन वेरिएबल ले लिए मैंने, ठीक है जी। मैंने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लेता हूं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग, ठीक है। मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी इज इक्वल टू न्यू बी, है ना, और इसमें तीन वेरिएबल पास करे, 10 20 30 10 20 30। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी क्लास के पास कितने वेरिएबल हैं टोटल, बी क्लास के पास कितने इंस्टांस वेरिएबल हैं, बोलो। गुड, इसमें इंस्टांस वेरिएबल कितने हैं, तीन है, एक तो इसका अपना खुद का है, दो इनहेरिट होके आ गए, तो उसके पास तीन इंस्टांस वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, अब इन इंस्टांस वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करें जो पेरेंट क्लास के अंदर है, इनको कैसे इनिशियलाइज करें, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। हमने क्या किया, यहां पर सुपर कॉल कराया और सुपर में वैल्यू पास कर दी पी और क्यू, क्या पास कर दी पी और क्यू, तो यहां से क्या होगा, ये पी और क्यू की वैल्यू ए और बी में चली जाएगी और ए और बी की वैल्यू हमने एक्स वाई को दे दी, तो इससे क्या हुआ कि पेरेंट क्लास के जो इंस्टांस वेरिएबल थे उनको कैसे इनिशियलाइज करें, बाय यूजिंग पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए तभी तो इनिशियलाइज होंगे ये वाले ना। तो हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा, और जो ये थर्ड जो जेड वेरिएबल है उसको मैं ऐसे इनिशियलाइज कर दूंगा, दिस डॉट आपका जेड इक्वल टू आर, ठीक है जी। तो यहां से क्या हुआ, आप देखो थोड़ा ध्यान से समझो, इस प्रोग्राम का फ्लो समझते हैं। आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने 10 20 30, 10 इसमें चला गया, 20 इसमें और 30 इसके अंदर, ठीक है। यहां से P और Q को मैंने कहां पास कर दिया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ये, तो ये जो P था ये इसमें चला गया A में और ये चला गया B में, तो X और Y की वैल्यू, जो X और Y की वैल्यू थी वो कितनी होगी, 10 और 20 से इनिशियलाइज होगी, यानी कि X की वैल्यू कितनी होगी, X की वैल्यू 10 और Y की वैल्यू 20 होगी, Y की वैल्यू 20 होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, किस लिए काम आएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो इंस्टांस वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करने का काम आता है, ठीक है जी। अगर मैं प्रिंट कराऊं यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी डॉट एक्स प्लस बी डॉट वाई प्लस बी डॉट जेड, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्या वैल्यू प्रिंट होगी यहां पर, बोलो, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, जावा बी क्लास के अंदर क्या है हमारा मेन मेथड है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 60 60 आ गया, क्लियर है सभी को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भले ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट कंटेन कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा, अगर आप नहीं लोगे तो कंपाइलर बना देगा डिफॉल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर काम क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो इंस्टांस वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करने का काम आएगा क्या, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो ये मत कहना कभी भी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, पहले वो आपको कंफ्यूज करेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, आप कहोगे ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और फिर कहेगा क्या कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, आप बताओगे कि कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कॉल होता है, तो फिर पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा या नहीं होगा। तो आप जैसे अभी आपने आंसर करा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, बट हर एक क्लास के अंदर
कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। किस लिए काम आएगा ये? इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी इंस्टांस वेरिएबल हो सकते हैं, उनको इनिशियलाइज करने काम आएगा। क्लियर है सभी को पॉइंट ये? देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट ले ली, ठीक है, पी ले लो। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर लिया पी, ठीक है जी। मैंने यहां पर प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन मैं लिखा। दिस डॉट एक फंक्शन है, हैश कोड, हैश कोड एक फंक्शन है। कौन सा? हैश कोड। हैश कोड फंक्शन कहां पर अवेलेबल है कोई बताएगा? हैश कोड फंक्शन किस क्लास के अंदर है? बोलो। ये पेरेंट, इसकी जो पी की जो पेरेंट है मतलब ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है। कौन सा? हैश कोड मेथड। अभी रोल बताता हूं क्या काम है इसका। मैंने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लिया, यहां पर भी मैंने क्या किया, यही स्टेटमेंट प्रिंट कराया। दिस डॉट हैश कोड, एक क्लास ली मैंने सपोज टेस्ट, टेस्ट 21, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, ठीक है। इसको सेव कर देता हूं मैं, टेस्ट 21 यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C इक्वल टू न्यू C, ठीक है। और यहां पर मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी। अब देखो आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि हमारी एक पेरेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड क्लास है आपकी सी, सी ने किस पे ऐड करा पी को, चाइल्ड क्लास भी एक कंस्ट्रक्टर होल्ड कर रही है। एक क्लास ली टेस्ट, ये किसी को ऐड नहीं कर रही है, बस इसके अंदर क्या पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड है। आप ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड आप यहाँ पर भी ले सकते हो, सी के अंदर भी, पी के अंदर भी, या अलग से सेपरेट क्लास के अंदर भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कहीं भी ले लो, बस मेन है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। आपने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने प्रिंट कराया सी का हैश कोड। अब देखो हैश कोड है क्या चीज, ये समझते हो। जब भी कोई कंप्यूटर की मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनता है तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आईडी होती है। क्या होती है? यूनिक आईडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हैश कोड। हर ऑब्जेक्ट का एक हैश कोड होता है, ठीक है। जैसा आपका कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, आपको अगर पहचाना जाएगा यूनिवर्सिटी में ये रिजल्ट किसका है, इस रोल नंबर का है। एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यूनिवर्सिटी? बाय यूजिंग योर रोल नंबर, रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये लड़का कौन है। इसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, उन ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? बाय यूजिंग हैश कोड। हैश कोड एक नंबर होता है जो एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया जाता है बाय द जेवीएम। जेवीएम एक हैश कोड असाइन करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, इस हैश कोड के बेस पे ही आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर मेरे कितने ऑब्जेक्ट बने? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी, है ना। अब इसका जो हैश कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, यहां पर किसका हैश कोड प्रिंट होगा, यहां पर किसका हैश कोड प्रिंट करेगा, मेरा क्वेश्चन है ये। हैश कोड समझ में आया? हैश कोड एक फंक्शन है, ये क्या करता है? एक हैश कोड एक नंबर देता है। ये कहां पर मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, जो सभी सभी क्लास की पेरेंट क्लास है, रूट क्लास है, मदर क्लास है, उस क्लास के अंदर मिलेगा आपको कौन सा हैश कोड फंक्शन। समझ रहे? हैश कोड फंक्शन का काम क्या है? ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, और जेवीएम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके हैश कोड की हेल्प से। तो हैश कोड आपका ये काम करता है। तो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया किसका? चाइल्ड क्लास का। तो मैं कह रहा हूं जब मैं यहां पर सी डॉट हैश कोड चेक करूंगा तो इसका हैश कोड कुछ प्रिंट होगा, है ना, इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट होगा।
ऐसे ही यहां से जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वहां पर भी हमने हैश कोड प्रिंट कराया। अभी ये कंस्ट्रक्टर किसका है, चाइल्ड क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट बना, तो उसी का हैश कोड प्रिंट कर देगा ये। यहां से एक लाइन इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, कौन सी, सुपर, मैंने बताया था अभी, सुपर। सुपर किस लिए काम आएगा, सुपर काम आएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहां पर भी मैंने हैश कोड प्रिंट कराया। तो मैं पूछ रहा हूं कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट कितने बनाए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ एक, तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एक ही ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट हो, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारी क्लास का नाम क्या है, टेस्ट 21, इट विल कंपाइल सक्सेसफुली, जावा टेस्ट 21। तो यहां पर देखो तीनों नंबर सेम प्रिंट हो रहे हैं, ये देखो। ये हो सकता है कि आपके सिस्टम में कुछ और हो, है ना, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना आपका, कौन से वाला, ये जो ऑब्जेक्ट बना रेड कलर का, ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसका हैश कोड ये हैश कोड इसका, इस ऑब्जेक्ट का, इसका हैश कोड कितना है, 3667126642, ये इसका हैश कोड है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, कौन सा, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, फंक्शंस या मेथड्स, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है। रिकर्सन में क्या है, एक्चुअली जितनी भी मेथड कॉल होती है, देखो सपोज एक M1 मेथड है, M1 मेथड ने किसको कॉल कराया, M2 को, M2 ने फिर M1 को कॉल कराया, M1 ने फिर M2 को कॉल कराया, फिर यहां से यहां ये एग्जीक्यूशन चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है, ये रिकर्सिव कॉल है। व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, यहां से यहां कॉल हुआ, इसने फिर M1 को कॉल कर दिया, तो रिकर्सिव है ये। ऐसा भी हो सकता है कि M1 फंक्शन है, M1 फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, तो ये भी एक रिकर्सिव है। जितनी भी फंक्शन कॉल होती है स्टैक के अंदर मेंटेन होती है, कहां पर, स्टैक के अंदर। सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, सपोज M1 फंक्शन कॉल कराया, ये स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। फिर M1 ने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, M2 को कॉल कराया, M2 ने किसको कॉल कराया, सपोज M1 को कॉल कराया, M1 ने किसको कॉल कराया, M2 को कॉल कराया। तो जितनी भी फंक्शंस कॉल होती है ये कहां पर मेंटेन होती है, आपके स्टैक के अंदर, ये स्टैक है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, आपके फंक्शंस कॉल को मेंटेन करने में काम आएगा। M2 ने फिर किसको कॉल कराया, M1 को, तो इसी तरह से चलता रहता है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होते ही आपका ये प्रोग्राम रन टाइम एक एरर दे देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिकर्सिव कॉल कैसे एग्जीक्यूट होती है। समझ में आया कि जितनी भी फंक्शंस कॉल होते हैं कहां पर मेंटेन होती है, स्टैक के अंदर। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेंटेन होती है सारी फंक्शंस कॉल, ठीक है। इसका चलो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सपोज आपने एक क्लास ली टेस्ट 24, इसके अंदर मैंने फंक्शन लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1 एक फंक्शन लिया, मैंने यहां पर प्रिंट कराया सपोज system.out.println, मैंने प्रिंट कराया सपोज 1, ठीक है। इसने कौन सा फंक्शन कॉल करा दिया, M2 फंक्शन है, M2 फंक्शन कॉल कराया, कॉपी कर लेता हूं इसी को, एक फंक्शन और लेते हैं, ये हमारा M2 फंक्शन है, ये प्रिंट कर रहा है आपका 2, इसने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, M1। तो यहां पर आप देखो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि M1 फंक्शन, ये जो M1 फंक्शन है M2 को कॉल करा रहा है,
हम एम टू पर चले गए, एम टू ने किस पर कॉल कराया, एम वन को, हम फिर दोबारा एम वन पे आ गए, फिर यहां से एम टू फंक्शन कॉल हुआ, एम टू ने फिर एम वन को, तो यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रही। तो एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, ठीक है जी, हमने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, एम वन, एम वन हमारा स्टैटिक फंक्शन है, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉल करा सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो मैंने बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको फंक्शन को कॉल कराया, यहाँ से एम वन फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। तो जैसे ही एम वन एक आपका जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो एक स्टैक मेंटेन होगा, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, तो मेन कहाँ पर जाएगा आपके स्टैक के अंदर, यहाँ पर मेंटेन होगा, मेन ने किसको कॉल कराया, एम वन को, तो एम वन यहाँ पर आ जाएगा, एम वन से एम वन पे गए हम, एम वन ने किसको प्रिंट किसको कॉल कराया, एम टू को, तो आपकी जो एम टू है वो यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एम टू पर जाएंगे, एम टू ने किसको कॉल कराया, एम वन को, दोबारा फिर ऊपर आएंगे ये एम वन पर, ठीक है। इसी तरह से ये आपका जब तक ओवरफ्लो नहीं हो जाता ये, है ना, ओवरफ्लो होते ही आपका क्या होगा, ये आपका रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन आ जाएगी आपको, इसको देखिए मेंटेन करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी test24.java, एक मिनट अभी कर रहा हूं, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, जावा test24, ये देखो ये प्रिंट कर रहा है, जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा 1 2 1 2 1 2 प्रिंट होते रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी ओवरफ्लो हो जाएगा, समझ रहे, यस, एक स्टेज आ गई आपका ये ओवरफ्लो हो गया। अब ओवरफ्लो की कंडीशन देखते हैं कहां पर हुआ है, इसको चेक करते हैं, ये देखो यहां पर एक एरर आई, स्टैक ओवरफ्लो एरर, जब तक ये आपका भरता चला गया, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कोई दिक्कत नहीं आई, बट एक स्टेज ऐसी आई कि आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो फंक्शन कॉल होता है, मेन ने एम वन को कॉल कराया, एम वन ने एम टू को, एम टू ने एम वन को, एम टू एम वन, एम टू एम वन, जब ये ओवरफ्लो हो गया तो उसने एरर जनरेट कर, समझ रहे, समझ में आया नहीं है, तो सबसे पहले आपने कौन सा फंक्शन कॉल कराया, ये देखो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, मेन से, मेन सबसे पहले स्टैक के बॉटम में आ गया, उसके बाद मेन ने किसको कॉल कराया, एम वन को, आप एम वन पे गए, एम वन आपका इस स्टैक के अंदर आ, ठीक है, उसके बाद एम टू, एम टू कॉल हुआ, एम टू यहाँ पर आ गया, एम टू ने किसको कॉल कराया, एम वन को, एम वन आ गया, एम वन ने किसको, एम टू को, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका ओवरफ्लो हो जाए, क्लियर है। तो जब तक आपके सिस्टम के अंदर स्टैक में जगह रहेगी तब तक इसने प्रिंट कराए सारे के सारे, समझ रहे, ये देखो कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू प्रिंट कराई इसने, ये सारी अवेलेबल थी, कितनी वैल्यू प्रिंट कराई, कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ, बट एक स्टेज ऐसी आई कि आपका ओवरफ्लो हो गया है, ये देखो, क्लियर है सभी को या नहीं, एरर कौन सी आई, स्टैक ओवरफ्लो एरर, यानी कि जो मैंने बताया कि मेन मेथड जितने भी फंक्शन कॉल होती है कहां पर मेंटेन होती है, स्टैक के अंदर, तभी तो आई स्टैक ओवरफ्लो एरर, है ना, समझ रहे, वहां पर क्यू के अंदर नहीं होती है, आपके स्टैक के अंदर मेंटेन होती है सारी फंक्शन कॉल, समझ में आया। अब बात करते हैं आपकी सिंगलटन क्लास, सिंगलटन क्लास दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिंगलटन क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जावा के अंदर, एडवांस जावा में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, एक मिनट, तो व्हाट इज सिंगलटन क्लास, सिंगलटन क्लास क्या है, ऐसी क्लास जिसका एग्जैक्टली सिर्फ हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें, ऐसी क्लास जिसका सिर्फ हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन क्लास कहेंगे, समझ रहे, सिंगलटन क्लास
समझ में आई, जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, सपोज एक क्लास है, इस किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने टी वन, आपने क्या किया एक ऑब्जेक्ट और बनाने की कोशिश करी टी टू, तो टी टू एक नया ऑब्जेक्ट ना बनकर इसी को पॉइंट करेगा, सभी इसी को पॉइंट करेंगे, मान कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना एक ही बनेगा। तो ऐसी क्लास जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो उस क्लास को क्या कहेंगे, सिंगलटन क्लास कहेंगे। डबलटन क्या होगी, ऐसी क्लास जिसके हम एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट्स बना सकें, टी वन और टी टू दो ऑब्जेक्ट बना सकें, ऐसी क्लास को हम क्या कहेंगे आपकी डबलटन क्लास। और एक ऐसी क्लास जिसके जितने भी कितने ही ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे अब तक हम बनाते हैं क्लास टेस्ट ली, पेरेंट क्लास ली, चाइल्ड क्लास ली, ये सारे के सारे क्या है, इनके हम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, जितने आपकी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है उतने हम इसको बना सकते हैं। समझ में आया, तो जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने वो क्या हो गया आपकी सिंगलटन क्लास होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, इसको सेव करा देते हैं S25 तो इसको सेव कराया, ठीक है। हमारी बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो सिंगलटन क्लास है, जैसे एक रन टाइम क्लास है, कौन सी रन टाइम क्लास, एक्शन सर्वलेट क्लास, एक्शन सर्वलेट क्लास, बिजनेस डेलीगेट क्लास, दीज आर द सिंगलटन क्लास, ये आपकी सिंगलटन क्लास है। मतलब इनका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे, इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इनके क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये प्रीडिफाइंड सिंगलटन क्लास है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सिंगलटन क्लास, है ना, इन जावा इफ वी आर अलाउड टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट, जिसका सिर्फ अलाउ कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट बन सके, उसे हम क्या कहेंगे सिंगलटन क्लास कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा ऐसी जावा के अंदर कौन कौन सी क्लास है जो सिंगलटन क्लास है, सिंगलटन क्लास कौन कौन सी है, रन टाइम, एक्शन सर्वलेट, बिजनेस डेलीगेट, दीज आर द सिंगलटन क्लास, है ना, ये हमारी क्या है सिंगलटन क्लास है। क्या मैं सिंगलटन क्लास अपनी खुद की भी बना सकता हूँ, यस, हम अपनी खुद की भी सिंगलटन क्लास बना सकते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, रन टाइम आर वन इक्वल टू रन टाइम डॉट, एक फंक्शन कॉल कराया गेट रन टाइम, इट विल रिटर्न रन टाइम क्लास ऑब्जेक्ट, ये रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और बनाया आर वन आर टू और आर थ्री। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे आर वन आर टू ये तीन जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए ये अलग अलग बने, आर वन इसको पॉइंट कर रहा है, आर टू इसको पॉइंट कर रहा है, आर थ्री इसको पॉइंट कर रहा है, एक अप्रोच ये है। दूसरी क्या है कि एक ही को पॉइंट कर रहे हैं R1, R2, R3, तीनों एक को ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये तीनों। तो मुझे बताओ इनमें से फर्स्ट अप्रोच ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे या दूसरी अप्रोच एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने अभी बताया कि रन टाइम क्या आपकी सिंगलटन क्लास है, इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट अप्रोच आपको सही लग रही है, सेकेंड लग रही है अकॉर्डिंग टू सिंगलटन, ठीक है, इसमें आपका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, सेकंड अप्रोच वैलिड है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाँ, जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बने इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने लिखा आर वन इक्वल टू आर टू, मैंने क्या लिखा आर वन इक्वल टू आर टू और आर टू इक्वल टू आर थ्री के, अगर ये वैल्यू ट्रू आ गया आपकी तो इसका मतलब है कि तीनों एक कोई पॉइंट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डी ड्राइव के अंदर गए, सीडी
मॉर्निंग जावा सी टेस्ट 25.java इट विल कंपाइल सक्सेसफुली जावा टेस्ट 25। तो यहां पर देखो क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू ट्रू। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना है ना। ये देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना आर वन, आर टू बीसी को पॉइंट कर रहा है, आर थ्री भी इसी को पॉइंट कर रहा है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने आर वन और आर टू के बीच में क्या लगाया, इक्वल ऑपरेटर लगाया। इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा, अगर आर वन आर टू रेफरेंस वेरिएबल हैं तो ये क्या चेक करेंगे, आर वन आर टू ये चेक करेंगे कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं नहीं। आर वन और आर टू, अगर आर वन और आर टू एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। अगर आर वन आर टू किसी दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो आर थ्री और आर टू ये दोनों चेक करो, आर टू और आर थ्री एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, यस इसने रिटर्न कर दिया ट्रू, तो इसका प्रूफ है। तो हमने यहां पर देखा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना किसका, रन टाइम। समझ में आया नहीं, बोलो मेन एडवांटेज क्या है इसकी। मेन एडवांटेज क्या है, यस बिल्कुल, यानी कि मेन एडवांटेज क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगर एक ही एक ऑब्जेक्ट है, आर वन को ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, रन टाइम का, ये लो। आर टू को किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, रन टाइम का, ये लो आप भी लो। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट को सभी शेयर कर रहे हैं। हमने क्या किया, हर रेफरेंस वेरिएबल के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, समझ रहे हैं, क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री को सेम ही ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बना के दिया, है ना। ये किससे पॉसिबल है, सिंगलटन क्लास से, समझ रहे। तो मैं आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा व्हाट इज सिंगलटन क्लास, एग्जांपल ऑफ सिंगलटन क्लास, कैन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगलटन क्लास, कैन वी क्रिएट अवर ओन सिंगलटन क्लास, क्या हम अपनी सिंगलटन क्लास बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट को, जब एक कॉमन ऑब्जेक्ट है सभी को उसी की जरूरत है, तो एक सिंगलटन क्लास बनाओ, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसका। समझ में आया।